अनंत फैलाए ब्रह्मांड अपने अंदर अनेकों रहस्य छुपाए रखा है। हम जितना इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही नए प्रश्न हमारे सामने आते जा रहे हैं। हाल ही में किए रिसर्च में सामने आया है कि हमारे ब्रह्मांड का 21% हिस्सा डार्क मैटर तथा 74% हिस्सा डार्क एनर्जी से मिलकर बना है, बाकी का 4% हिस्सा भौतिकी पदार्थ से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे, धूमकेतु, सदृश ग्रह सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिले ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थ से मिलकर बना है जो प्रकाश को सोख लेता है, सामान्य भाषा में कहें तो प्रकाश को परावर्तित नहीं करता। इस कारण घने काले और अब तक के साधनों से के बल पर इनसे देख पाना संभव नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इन पदार्थों को से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों को कोई विकसित समझ हमारे पास नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अभी तक पता नहीं चला है, पर इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं है। रिसर्च में ये पता चला है कि ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी जो ग्रह, तारों और आकाशगंगा को स्थिर बनाए रखती है, अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो वह उतना काफ़ी नहीं होगी कि वह आकाशगंगा को थाम रही है। जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए रॉकेट की एनर्जी इतने से बल से पृथ्वी स्थिर तो नहीं रह सकती। इस पर कहें तो पूरे ब्रह्मांड पर कोई बल कार्य करता है वह डार्क एनर्जी ही कहलाती है। और दूसरा उदाहरण देखिए तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के जन्म से इसे थामे हुए हैं। एनर्जी कम होने पर इसका मान भी कम हो जाता और सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे अपने परिक्रमा पथ से भटक गए होते, पर आज ये सभी स्थिर है। ऐसा क्यों? ऐसा तभी संभव है जब इस ब्रह्मांड में हमारे द्वारा निरीक्षण किए गए द्रव्यमान से 5 गुना अधिक द्रव्यमान हो। यहीं से डार्क मैटर की अवधारणा सामने आई और डार्क मैटर ही वह मैटर है जो वो अब इस ब्रह्मांड के द्रव्यमान दे रहा है। येले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर डॉकूम ने अपनी टीम के साथ ड्रैगनफ्लाई 44 नामक आकाशगंगा का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने ही पाया कि बड़ी आकाशगंगा होने के बावजूद ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इसमें कम तारे हो। कम तारों के साथ भी ये आकाशगंगा स्थिर थी। ये काफ़ी चौंका देने वाला सच था क्योंकि तारे कम होंगे तो आकाशगंगा के भीतर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होगा। कम गुरुत्वाकर्षण के चलते तारे आकाशगंगा के भीतर टिक नहीं सकते, वह पथ से भटक जाएंगे, वो स्ट्रेस स्टार्च की श्रेणी में आ जाएंगे। डॉक कोम ने और उसकी टीम ने ये अनुमान लगाया कि न हो कुछ ऐसा जरूर है जो इस आकाशगंगा को स्थिर रखा है। इस आकाश में तारों की मूवमेंट की जांच करने के लिए उनकी टीम ने टेलीस्कोप में डीप इमेजिंग मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ तकनीक का सहारा लिया। जो के परिणाम सामने आए वह काफ़ी चौंका देने वाले थे। इस गैलेक्सी का लगभग 0.01% भाग ही सामान्य पदार्थ से मिलकर बना था, बाकी 90.99% भाग डार्क मैटर से मिलकर बना था। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि डार्क मैटर नॉन ब्रायोनिक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। एक अर्थ में कहें तो ब्रायोनिक पदार्थ वह पदार्थ है जिन्हें हम देख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर नॉन ब्रायोनिक पदार्थ वह होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।